नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी ट्रैक्टर ग्रेडर और कैड ग्रेडर का काम का कंपेयर। ग्रेडर चल रहा है कैड का, ये आज आधा आधा वेट बनाया है हमने। और इन ये है मेन कैरिज वे, इस वजह से आधा वेट मतलब हाफ लेफ्ट साइड का हमने बनाया है, राइट साइड का कैड ग्रेडर बनाया है। हाफ ब्रेक ये है, इसमें सरिया लगी हुई है। लेफ्ट साइड का ये वाला हमने बनाया है, इस पर भी रोलिंग नहीं हुई है। ये ट्रैक्टर ग्रेडर का बना हुआ है, ये कैड ग्रेडर का बना हुआ है जिसमें हमारा ये लग रहा है, मतलब इस कलवर्ट से वो अंडरपास तक, इस कलवर्ट से अंडरपास तक हाफ हाफ लगभग आधे घंटे का डिफरेंस पड़ा। आधे घंटे उसने पहले बना दिया था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बराबर बनाया, आधा घंटा पहले बना दिया उसने हमसे बेड। लेकिन हमारा भी मतलब काम मतलब क्या बोला है, कम बिल्कुल नहीं हुआ। आधा घंटा लेट जरूर हुए लेकिन ब्रेथ बराबर, लेंथ बराबर, एक ही डोजर से टूटी हुई हाफ हाफ बेड बनाया और बन गया कैट का। तो हमें तो उम्मीद नहीं थी, ऑपरेटर भी बढ़िया था उसका, कैट का खूब फास्ट। लेकिन टेक्निक अपनी अपनी होती है, जीत तो नहीं पाए कर कैट से, क्या जीत जाएंगे। अरे 120 HP और 60 HP में बहुत अंतर होता है, ओरिजिनल कहाँ 1.5 करोड़ कहाँ, छोटी सी चीज़ है, इतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मतलब बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही, अगर नज़र ना लगे हमारी मशीन को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस। ये वाला है, ये वाला है केट का, कैट कैट का। इसके देखो टायर बने हैं, वो वाले लोडर वाले टायर है। और ये वाला जस्ट हाँ दो सरिया लग रही है, ये वाला है हमारा, ये ट्रैक्टर ग्रेडर वाला फैक्ट्री टायर है पूरी लेंथ यहाँ से वहाँ तक बनी हुई है। आज बहुत खुश है हम, कंपेयर करने मिला तो कैट का मिला वो भी, और बढ़िया ऑपरेटर भी बढ़िया था, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ आधा घंटा लेट, सिर्फ आधा घंटा या 20 मिनट का लगभग अंतर पड़ा होगा। और फिनिशिंग तो खैर ओरिजिनल ग्रेडर में और उसमें थोड़ी सी डिफरेंस रहता है, और अगर बिल्कुल बराबर जिस हिसाब से उसकी फिनिशिंग आती है इस हिसाब से करें तब ये मतलब जो काम 2 घंटे में करेगा कैट वाला वो 3 घंटे में होगा इससे, अगर सेम डंपिंग में तोड़ने की आ जाए और वो करने की आ जाए तो इतना अंतर पड़ेगा। कितना अब काम हुआ, 2 की जगह 3, मतलब ऐसी मान लो वो अगर 4 घंटे में तो ये 6 घंटे में, 4 का 2 1.5 अंतर हो जाता है। लेकिन हमारी मशीन की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत ना है, सबरे टॉप भी बनाया है हमने इससे। और आज ये मेन कैरिज वे की पूरी ग्रेडिंग करनी हुई है, कितना है ये पूरा होगा, करीब 300 मीटर वेट है, तो ये बन गया। लेकिन मेहनत करनी पड़ी बहुत, अब वो भी फ्री, हम भी उतरे हैं वो भी खड़ा हुआ है। अब जस्ट हमें इतना टाइम मिल गया है वीडियो बनाने का, हमारे वीडियो बन नहीं पाते हैं, जैसे तेरे टाइम निकालते हैं शाम के टाइम मिल पाता है, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं। अभी काम भी हमारी मशीन ब्रेकडाउन हो गई थी तो थोड़ा सा पेंडिंग में हो गया था, तो कंपनी का एक ग्रेडर मंगाया था क्योंकि वहाँ बोर एरिया का कुछ खेत वेत बराबर करने थे, तो वहाँ गए थे सुबह, इसलिए अब शायद ये नहीं आएगा। हमारा काम पेंडिंग में बिल्कुल नहीं है, आज ही आज को बुलाया था, और ये ग्रेडर अब नहीं आएगा, अब सारा काम अपने ग्रेडर से ही समझ जाएगा, कोई दिक्कत ना हो।
अब ये टॉप बनाना है सर्विस रोड का, ये वाला बस, उसमें अगर फिलिंग आग हो गई होगी पूरी तो कल सरिया लग के ये बन जाएगा। और मालिक लोग भी खुश हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन बस यही कहेंगे कि आज का वीडियो है कैट वैस मैसी ट्रैक्टर ग्रेडर, कैट ग्रेडर वैसेज ट्रैक्टर ग्रेडर, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। और खूब काम हुआ, मेहनत तो करनी पड़ी अच्छे से, लेकिन काम भी हो गया। अब वो लोग जा रहे हैं, इतने बेड पर रोलिंग भी हो गई, उस पर पानी पड़ गया, कंप्रेक्शन आ ही गया क्योंकि मॉइस्चर है मिट्टी में, पानी पड़ गया, उनकी चाल मिल जाएगी, चाल वाली बात थी। ये है आज का वीडियो दोस्तों, ये चल रही है हमारी डंपिंग, श्रीवास्तव जी है, एक कैट भाई साहब आए हैं आज, आज को, कल तो नहीं आओगे, कल आएंगे जी, कल का काम है, अब तो पेंडिंग में है ना कोई, इन भाई साहब को बुलाया गया था, हमारी मशीन हो गई थी ब्रेकडाउन, काम हो गया था पेंडिंग में बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मशीन मंगानी पड़ी, हमारे बस से बाहर हो गई थी, ज़्यादा काम ज़्यादा प्रेशर हो गया था, चल रही है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो, जो भी मानो, ये हैं भाई साहब आए थे, बड़ी मेहरबानी हुई इनकी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।